मेरे को प्रपोजल किया है जो तुम मेरे को शादी करोगी। कोर्ट जाके खुद के धर्म हिंदू से उन्हें मुस्लिम बने हैं। मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ भी है जो हुआ है हुआ है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। लीगल तरीके से मैं मेरे पति के पास आया हूँ, बट मेरे से बहुत नाइंसाफी भी हो रही है, मैं एक बच्चा लेके बहुत भटक रही हूँ। आंखों में आंसू, जुबां पर पति से मिलने की गुहार और दिल में बच्चे के लिए अच्छे भविष्य की आस। ढाका से आई सोनिया अख्तर बार बार एक ही बात कहती है कि नोएडा के सौरभ कांत तिवारी से उसकी शादी हुई है, लेकिन अब पति ने उसे छोड़ दिया है। सरकार से प्रार्थना करूंगी जल्दी से मेरे को न्याय दिला दीजिए, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, वो बहुत छोटी है, उसका कोई दोष नहीं है, मैं सबसे मदद मांगूं। ऐसा लगता है मानो क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी का मौसम चल पड़ा है। पाकिस्तान से सीमा भारत आकर सचिन के साथ घर बसा लेती है, अंजू भारत से पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला का दामन थाम लेती है, और अब सामने आई है बांग्लादेश वाली सोनिया जो जुदाई की बात करती है, खुशी के पलों के वीडियो बतौर सबूत देती है। आज न्यूज नेशन पर सोनिया अख्तर खुद बताएगी ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत का खुमार उतरा और सामने आई सोनिया की हेट स्टोरी। तो सात समंदर पार यानी दूसरे मुल्क से आई प्रेम कहानियां आजकल देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहले चर्चा का विषय बनी सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान तो आ गई, लेकिन अपने प्यार के साथ इस वक्त वो रह रही है, यानी उसे अपना प्यार मिल गया। लेकिन ऐसे ही खोज में बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, और वो खोज थी उनके पति की, लेकिन आज तक उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस वक्त आपकी शादी हुई थी सौरभ तिवारी से, क्या आपको पता था कि वो शादीशुदा हैं? और जब पता चला तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, आपको ना सारे सबको मैंने क्लियर करके बताना चाहती हूँ, जो उस आदमी ने जो मेरे को शादी किया, मेरा हस्बैंड, इन्होंने नहीं बताया जो शादीशुदा है, बाद में बताया जो शादीशुदा थी, मतलब उसका पत्नी मर चुकी है, ये मेरे को ये बताया, मेरा पत्नी मर चुकी है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब बताया जे मैं मेरा पति जिंदा है, मेरा दो बेटा है, और वो पत्नी के साथ उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे से झूठ बोला है, जो मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, वो सिर्फ पत्नी है, ऐसे मतलब ऐसा ही है, मेरे को दिखाया जो दो बेटा है मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। आप अपने उसके बाद तो छोटे से बच्चे को, बात ही हुई, आपका बच्चा छोटे से बच्चे को लेकर आप अकेले यहाँ आई हैं, इससे पहले भी आप आ चुकी हैं, एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रही हैं अपने बच्चे के हक के लिए। मुझे अब ये बताइए, मैं आगे पिछली जिंदगी के सवाल मैं आगे आपसे करूंगी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये कितना मुश्किल है आपके लिए लड़ाई लड़ना, क्या महसूस होता है उस माँ को जो अपने बच्चे को अकेला लेकर एक दूसरे मुल्क से आती है सिर्फ उसके अधिकार के लिए? आपको, आप एक लेडी है, आप मेरे जगह पे आके देखिए, जब मैंने कितनी सफर करके आया हूँ, मैं मेरा बच्चा लेके, मेरा बच्चा को, मतलब मेरा बच्चा इतनी वीक हो गया इंडिया पे आके, उसका हालात भी ठीक नहीं है और मेरा हालात भी ठीक नहीं है, मैं बहुत सफर किया है, बहुत मैंने हस्बैंड से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको एहसास दिलाने की कोशिश किया जब हम दोनों बहुत तकलीफ में, हम दोनों के पास आ जाओ, मैं हम दोनों को लेके जाओ, मतलब उन्होंने ना खर्चा दिया है ना कुछ दिया है, और हर एक स्टेप में मेरे को हर एक स्टेप पार करना मेरे लिए कितनी डिफिकल्ट थी, ये मेरा जो वकील है रेनू सिंह बहुत अच्छे से जानती है, मैंने इनसे बहुत पहले से कांटेक्ट करके आया था, इन्होंने, मैं डिप्रेशन पे भी चले गए थे, आप इन्होंने मेरे से ज्यादा बेटर बोल सकती है आपको। लेकिन सोनिया, क्या बच्चे से मुलाकात नहीं की सौरभ ने? क्या बच्चे को लेकर कभी उनके दिल में नहीं आया, उनका दिल नहीं पसीजा कि मेरा बच्चा है, मैं मेरा अधिकार बनता है उसकी जिम्मेदारी लेने का? उसको देखकर भी उनको ये नहीं लगा कि मैं अब इसके साथ आ जाऊं? देखिए, मैं जब बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ 3 अगस्त, तो 4 अगस्त उन्होंने मिली है हम दोनों से, तो बच्चा को खिलाया, बच्चा को लेकर रेस्टोरेंट घुमाए, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद तो हम दोनों को होटल पे छोड़ के गए हैं, तो उधर भी फंसाया है, आप उसका मुझे नहीं पता है, वो आप मान क्यों नहीं रही है,
वो तो बच्चे को बहुत प्यार किया था जी। इस बच्चा को हॉस्पिटल में 3 लाख दे के सीजरिंग करके 7 महीने तक उसका हर एक बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किया, हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब सारे प्रूफ है मेरे पास, हर एक महीने का उसका पापा ने हर एक महीने का उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जे ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरा प्यार है, मेरा बच्चा है और उसका पापा की तरह ही उसका शक्ल है। मतलब वो बहुत प्यार करती थी बच्चा को, और जब हाथ मारने के लिए आया हूँ तब वो स्वीकार नहीं कर रही। आप मुझे ये बताइए, आपको आए यहाँ काफी दिन हो चुके हैं, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, आप ये बता रही हैं कि आपने, सौरभ ने आपसे धर्म बदलकर निकाह किया। मैं उसी दिन से जानना चाहती हूँ आप सौरभ से कैसे मिली और आपकी मुलाकात सौरभ से निकाह तक कैसे पहुंची। जी मैं उनसे मिली हूँ मार्च में 2021 में, बांग्लादेश में वो नौकरी किया 6 ईयर बांग्लादेश में, जो कल्टीमेस एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें नौकरी किया। वो डीजीएम थी उस कंपनी का, तो मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया, तो नौकरी के सिलसिले में मैंने उनसे मिली हूँ। मेरा एमडी जो है उनका कंपनी में मेरे को भेजा है, उनका कंपनी जो ऑनर है जॉन सर, और उनका नंबर दे के भेजा है मेरा हस्बैंड जो सौरभ कंत तिवारी का। फिर मैंने उसके ऑफिस में गया, जॉन सर से मिलने का कोशिश किया, उनसे मिलने का कोशिश किया, उस दिन नहीं हुआ है। तो अगले दिन जाके मेरा हस्बैंड से मेरा मुलाकात हुई है, मीटिंग फिक्स हुई है, मीटिंग हुए है। मीटिंग के दौरान उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला है तुम मेरे को शादी करोगी। फिर मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला मैं, आप उम्र में भी मेरे से बड़ी है, मेरा आपका पोजीशन भी बहुत हाई है और आपका धर्म भी चेंज है, कभी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने मेरे को बोल रही है जो मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे को शादी करोगी। फिर मैंने बोला नहीं, आप करके तो दिखाइए, तो ऐसे ही बोला था मैंने। उन्होंने क्या किया, एकदम लीगल तरीके से बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका खुद का धर्म हिंदू से उन्होंने मुस्लिम बनाए, उसका भी सारे प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ है। और 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया है, 13 अप्रैल 2021 में उन्होंने अगरतला जाके शादी से पहले जो अंगूठी पहनाती है वो अंगूठी खरीद लिया, एक नोज पिन है और एक कान का दूल खरीद लिया है मेरे लिए। उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में बैतुल मुकर्रम ढाका बैतुल मुकर्रम मस्जिद पे निकाह हुआ है, काजी के दौरान हमारा शादी हुई है। शादी के बाद से मैं उनके साथ उनकी कंपनी क्वार्टर वसुंधरा में डी ब्लॉक में एक साथ में थी, 2 साल मैंने उनके साथ संसार किया है। और अब तो मैं 24 दिसंबर 2021 22 में उन्होंने मेरा जो बच्चा है, हम दोनों का एक बेटा है, ये देखिए हम दोनों का एक साल चार महीने का एक बेटा है। तो हम दोनों को छोड़ के 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने इंडिया आ गया। वापस आने के बाद से मैंने बहुत उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया। उनका जो पहला पत्नी है रचना शर्मा, वो मेरे को फोन उठा के बहुत ज्यादा गाली दिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे को गंदी मैसेज भेजा है, मैं आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो उन्होंने पति के साथ पप्पी करने वाला फोटो भेज के मेरे को दिखा रही है, देख लेटेस्ट देख। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सौरभ आपसे मुंह फेर रहे हैं, और उनकी जो पत्नी है जो जिनके साथ वो ये कहते थे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें तलाक दे देंगे, अब अचानक से वो आपको मैसेजेस कर रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों, क्या हुआ होगा ऐसा? उस ऐसा क्या है, मेरा हस्बैंड जो है सौरभ पंत तिवारी जी को देखिए, वो खुद मर्जी से शादी किया, बहुत प्यार किया हम दोनों को, मैं उनको यह नहीं बोलूंगी। वो क्या है, इधर आने के बाद उसका जो पत्नी है रचना शर्मा, उसको गला दबा के उसको ये सब करा रही है, उसको बोला है जो मैं उस सोनिया को तो मान लेगी, स्वीकार करेगी तो मैं जहर पी लूंगी, 2 बच्चा को भी पिला दूंगी, तेरे को गर्भवत कर दूंगी, तेरे को जेल भेज दूंगी, बहुत सारा धमकियां दिया है। ये सब मेरा हस्बैंड ने मेरे को बताया था जो रचना ऐसा किया है। कुछ दिन पहले मैंने एसीपी मैम के पास गया था, हम तीनों को बुलाया, उस टाइम पे भी मेरा हस्बैंड मेरे साइड बैठ के बता रही थी
से वो मेरे को सोना बुलाती है, जो सोना तो चली जा, मेरे साथ बहुत बुरा हो रही है, तू जानती है मेरे घर में क्या हो रही है। उसका बच्चा भी उसके ऊपर हाथ उठा रही है, उसका बड़ा बेटा जो है मितुल उसको पापा को मारती है, रचना शर्मा भी उसको बहुत टॉर्चर कर रही है। मैं मेरा हस्बैंड जो है आप इसी वजह से, मेरे को लग रही है इसी वजह से ही वो ऐसा कर रही है, क्योंकि आप हम तीनों का फोटो देखिए, वीडियो देखिए, देखिए कितनी स्वीट मोमेंट्स हैं हम तीनों का, इतनी अच्छा से जिंदगी बताया था और आने के बाद फुल चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गए। आपने जिन तस्वीरों का जिक्र, आप बार बार एक बात कहती हैं अपनी बात में कि हमारे बहुत अच्छे और स्पेशल मोमेंट हैं साथ में, हमने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, आप केक खिला रही हैं, वो आपको केक खिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, जैसे एक पति पत्नी का, दो प्यार करने वालों का रिश्ता होता है। तो ये कब की तस्वीरें हैं और ये कैसे बदल गया इतना सब कुछ? डांस कर रहे हैं आप लोग? जब वो बांग्लादेश में थी, जब वो बांग्लादेश में मेरे साथ थी, दो साल का फोटो है, हर एक टाइम का फोटो थी मेरे पास, हर एक। अब दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता थी, इस रचना ने, रचना की वजह से मेरा जिंदगी खराब हो गया, मेरा बच्चा का जिंदगी भी खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जो कुछ हो रही है ये सब रचना शर्मा की वजह से हो रही है। वो बहुत, उसका फैमिली को बहुत झूठ बोला है। आपका बेटा ढूंढता है अपने पिता को, याद करता है? बहुत 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 उसका बहुत, वो हमेशा उसके पापा को बुलाती रहती है, जब पापा पापा करती रहती है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, मैं इतनी भटक रही हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा के लेके जाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड के पास। सोनिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें होती हैं, आप समझ रही हैं, तो मैं जो सवाल लोगों के जहन में होगा वो सवाल एक तरह से आपके सामने रख रही हूँ। 5 लाख रुपए की बात आई कि आपको 5 लाख रुपए दिए गए सौरभ की तरफ से, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और लोग ये भी बातें बना रहे हैं कि उनकी पोजीशन, उम्र में इतना फासला है, क्योंकि पोजीशन हाई है, कमाते बहुत अच्छा है, तो क्या ये भी एक वजह थी कि आपने एक हफ्ते के भीतर ही उनसे शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं नहीं, देखिए आप एक बात बताइए, आप भी एक लेडी है, किसके साथ आपका शादी होगी, क्या आपको पता थी पहले से कब बच्चा होगी इसका? क्योंकि कभी कोई बता सकती है, कब कोई मर जाएगी, गुजर जाएगी, इसका कोई बता सकती है? बताइए, मेरा उम्र कम है क्या, मेरा दोष है? मेरा नसीब में मेरा हस्बैंड थी, मेरे साथ उनका शादी हुआ, मैं कभी सपना भी नहीं सोचा था मेरा इंडिया में शादी होगी, मतलब मेरा हस्बैंड मेरे उम्र से बहुत बड़ा होगी, मैं उससे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी नहीं सोचा जो मेरे साथ ऐसा होगी, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था जो हाँ शादी तो इत्तेफाक कभी नहीं हो सकती है, शादी तो ऊपर वाला का होती है, ऊपर से होती है, मेरे नसीब में मेरा हस्बैंड थी, इसीलिए मेरे साथ उनका शादी हो गया ना, मैं क्यों बोलूंगी जो हाँ मैं शादी करूंगी, भाई एक क्यों बोलेगी मैं धर्म चेंज कर दूंगी, क्योंकि हम दोनों का लिखा था ऊपर से शादी, इसीलिए शादी हुआ है। और रहे जो आपने बोल रही है जो 5 लाख, नहीं
ये झूठ है। देखिए मेरा परिवार वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा हस्बैंड को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उन्होंने धर्म चेंज किया, बहुत इज्जत किया है। जैसे मतलब लड़की का जो दामाद को वेलकम करती है, मेरा फैमिली ने बहुत अच्छे से किया। उसका भी फोटो है, देखना इतनी बड़ी एक मतलब बंगाली को एक होती है ना खाने का भोजन का प्लेट होती है, जिसमें जब लड़की का दामन आती है पहली बार घर, तो उसको बहुत सारा खाना देती है, बहुत सारा। हाँ। इतनी बड़ा प्लेट सजा के उसके बाद गिफ्ट देती है। हाँ, मेरा पापा मम्मी ने उसका अंगूठी नहीं दे पाया उस टाइम पे, बट उनको पैसा दे दिया था, 25,000 दिया था एक अंगूठी खरीदने के लिए। उसके बाद उनको बहुत अच्छा से मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा जो शादी का जो एक मजबूत रिश्ता है, पवित्र रिश्ता, बहुत अच्छे से निभाया। सौरभ के परिवार वाले आपके निकाह में शामिल हुए थे? नहीं। तो फिर आपके परिवार ने इस पर एतराज नहीं जताया, सिर्फ धर्म परिवर्तन किया इसलिए उन्होंने निकाह के लिए राजीनामा दे दिया? नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत लॉयल है। आप बांग्लादेश में जाएंगे ना, बांग्लादेश में मेरा हस्बैंड का एक वैल्यू है, मतलब सब लोग उसको बहुत अच्छा जानते हैं। ऐसे भी उसका नेचर बहुत अच्छा है उस टाइम पे, अभी तो कुछ अलग ही निकला है, वो बहुत अच्छा नेचर है। मेरा जो फैमिली है बहुत अच्छे से उन लोगों से बिहेवियर किया है, उन लोगों से बातचीत किया है, मतलब आपको कहीं नहीं लगेगी, मतलब उन लोगों को कहीं नहीं लगेगी जे ये आदमी ऐसा हो सकती है। जैसे मेरा परिवार वाला मेरे को फोन करती है वीडियो देख के, जे क्या है दामन ऐसे कैसे हो सकती है, मतलब वो लोग भी शक है। मेरा मम्मी रो के तो पूरा पूरी हालत हो गई मम्मी का, जिसको हम लोग ने प्यार दिया, इतना इज्जत दिया है। आप सौरभ से क्या कहना चाहती हैं, आप यहाँ की सरकार से क्या कहना चाहती हैं, आप रचना से क्या कहना चाहती हैं? मेरा हस्बैंड को ये बोलना चाहती हूँ, देखो हमारा एक बेटा है, प्लीज जल्दी से घर लेके जाओ, उसका जिंदगी का सवाल है, उसको आपका जरूरत है, उसका पापा का जरूरत है, उसके पापा मम्मी के साथ रहने का हक है, उसका भाई का भी प्यार का जरूरत है, दादा का भी प्यार का जरूरत है, फैमिली का जरूरत है। आप प्लीज जल्दी से मान जाओ, हम दोनों को लेके जाओ, प्लीज शादी किया निभाओ, इसको अच्छे से निभाओ। और दीदी से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप भी एक लेडी है, आपके पास भी दो बेटा है, मेरे पास भी एक बेटा है, प्लीज दीदी आप फिक्र कर लो, जो किया है हमारा पति ने किया है, ना आपका दोष है ना मेरा दोष है, आप जो आप कर रही हो ये गलत कर रही हो, मेरा बच्चा का हक छीन रही हो, मेरा बच्चा का हक दे दो, मान लो मैं आपके साथ रहूंगी, एक साथ रहूंगी बहन के तरह। आपकी जो आवाज है, अगर सब कुछ जैसा आप बता रही हैं वैसा है तो सौरभ तक पहुंचे और जो मदद आपकी हो सकती है सरकार की तरफ से, जो कानूनी पहलू है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और यहाँ अब जो भारत का अपना कानून है वो भी कई तरह के आपको विकल्प देता है, आपकी वकील आपके साथ हैं, वो आपको बेहतर बताएंगी। आप इस लड़ाई में जीतें, आप एक माँ के तौर पर लड़ रही हैं और माँ की जीत होती है, तो हौसला रखें अपनी सच्चाई के साथ। आपका धन्यवाद न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। तबाही मचाई है, शिमला में भी लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से